Hi everyone, this is Siddharth. Today I am going to start a new lecture on motion, and this is lecture number 4, and the topic that I am going to cover is equation of motion and some numerical based on it. Okay, and basically there are three equation of motion, that is v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, and b square is equal to u square plus 2s. ये बहुत important है equation of motion, और डेरिवेशन इसका बोर्ड एग्जाम में ज़रूर पूछता है 3 मार्क्स का, और इस पर न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं 2 मार्क्स का. ठीक है, तो ये ओवरऑल ये चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है. ठीक है, तो ये वीडियो शुरू करने से पहले व्हाट वी हैड टॉट इन लेक्चर नंबर 3, दैट इज एक्सेलरेशन. ठीक है, एक्सेलरेशन एक्चुअल में होता है चेंज इन वेलोसिटी. ठीक है, और चेंज इन वेलोसिटी को जानने के लिए आपको दो टर्म का मतलब पता होना चाहिए, वी और यू. वी को बोलते हैं हम लोग फाइनल वेलोसिटी, और यू को बोलते हैं हम लोग इनिशियल वेलोसिटी. ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी मतलब आप शुरुआत कहाँ कर रहे हो, फाइनल मतलब ख़त्म कहाँ कर रहे हो. ठीक है, तो चेंज का मतलब बदलाव, मतलब पहले से अभी में क्या बदलाव है, तो मतलब डिफरेंस. तो v माइनस यू अपॉन टी और a. ठीक है, ये तो हमने पिछले वीडियो में बात की थी. दूसरी थी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में बस 3 बातें आपको हमेशा याद होना चाहिए. पहला कि स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, मैं अभी आपको डिफाइन भी करा देता हूँ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, शॉर्ट टर्म ऐसे आप याद कर सकते हैं. ठीक है, दूसरी जो होगी वो है वेलोसिटी का बढ़ना, और तीसरा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ठीक है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन डिफाइन करने का तरीका है, अ बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट कवर्स और इफ इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन व्हेन इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ओके, ये हो गया. और तीसरी जो थी वो थी नॉन यूनिफॉर्म में बॉडी तो स्ट्रेट लाइन में चलेगी, यहीं पे कन्फ्यूज़न हो जाता है बच्चों को. बॉडी स्ट्रेट लाइन में भी चलेगी, वेलोसिटी भी बढ़ेगी, सिटी इंक्रीजेस, पंगा हो जाता है कहाँ पे, यहाँ पे तीसरी बात पे, अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ठीक है, तो डिफाइन कैसे होगा, अ बॉडी इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म इफ इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन व्हेन इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस विद अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. बस आप ये 3 बातें याद रखिए, डेफिनेशन हो जाएगा. ठीक है, डेफिनेशन के लिए कोई मतलब नहीं है. ठीक है, एक था रिटार्डेशन. ठीक है, उसको भी बता देते हैं, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसे आप शॉर्ट टर्म के लिए ऐसे इसको भी लिख सकते हैं, शॉर्ट नोट्स में बहुत बेनिफिट कर सकता है आपको. रिटार्डेशन कुछ नहीं था, अगर एक्सेलरेशन पे नेगेटिव साइन आ जाता है दिस इज कॉल्ड रिटार्डेशन. ठीक है, रिटार्डेशन में बस जानना था कि वेलोसिटी अगर किसी बॉडी की घट रही है मतलब उस पर नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है और रिटार्डेशन हो रहा है. ठीक है, न्यूमेरिकल में क्या होता है कि क्वेश्चन में दे देगा कि अगर कोई एक बॉडी है वो चल रही है, यू इसका 10 मीटर पर सेकंड, और उस पर एक ब्रेक अप्लाइड हुआ ड्यू टू एनी इमरजेंसी. ओके, तो वी मतलब वेलोसिटी, 10 चल रही है मतलब ब्रेक लगा तो उसकी वेलोसिटी कंप्रेस हुआ. ठीक है, जब वेलोसिटी कम हुआ यानी कि वेलोसिटी डिक्रीज की, वेलोसिटी डिक्रीज की मतलब एक्सेलरेशन जो होगा इसका निगेटिव आएगा. अब बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि इसका वैल्यू नेगेटिव कैसे आएगा. ठीक है, a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी. अब देखिए ये पहले है, इस पर नेगेटिव है, अगर v कम हो रहा है
यानी कि अगर मान के चलिए 10 है, अगर इसको हम 8 ले लेते हैं और इसको 10 से माइनस करते हैं और टाइम मान के चलिए 5 और 2 इंटरवल लिए, 2 सेकंड्स लिया, ठीक है, तो माइनस 2 अपॉन 2 डैट इज माइनस 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ से हो जाता है, ठीक है। लास्ट जो टर्म था वो था एवरेज वेलोसिटी, इसको आप डोनेट करते v बार, इसकी फॉर्मूला थी u प्लस v बाई 2, इसको हम यूज़ कर देंगे इक्वेशन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व करने के लिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाता है ये। ठीक है, ये हमने पिछले टॉपिक में पिछले लेक्चर में कवर किया था, ओके। आज का जो टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ मोशन, और इक्वेशन ऑफ मोशन में पहला इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, ये पहला इक्वेशन है, इसको हम डिराइव करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे इसके ऊपर, ठीक है, तो डिराइव करते हैं, ठीक है। अभी मैंने बताया एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है, तो अच्छा आपको पता है, एक सेकंड, इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है ये एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे वर्क करती है, ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ मोशन बनाया गया था यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, ठीक है, और इक्वेशन ऑफ मोशन आपको किस किस बारे में बता देती है, वो है कि इनिशियल वेलोसिटी के बारे में बता देगी, मतलब अगर फाइनल वेलोसिटी डिस्टेंस टाइम एक्सेलरेशन वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है, फोर दिया है, फाइव निकाल सकते हैं, ठीक है, तो ये आपको रिजल्ट दे देगी इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, ये वर्क करती है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे, क्वेश्चन में पूछ देगा एमसीक्यू, ठीक है, इस बात का ध्यान होना चाहिए आपको, ठीक है। तो पहला इक्वेशन यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, पहला जो इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v पता है v फाइनल वेलोसिटी, u पता है इनिशियल वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन एंड t इज टाइम, ठीक है, तो एज वी नो डैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी को कैसे लिखते थे, v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है, अब देखो इसको यहाँ लाते हैं तो v माइनस यू, इसको लाते हैं ए टी, ठीक है, अब देखिए ये v पॉजिटिव है तो v को इधर रखते हैं, u यहाँ निगेटिव है तो ये हो गया पॉजिटिव u प्लस ए टी, तो पॉजिटिव ना भी लिखो तो भी चलेगा, इसलिए इसे मिटा देते हैं, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, तो ये पहला इक्वेशन और ये पहला इक्वेशन डेरिवेशन, ठीक है, ये डेरिवेशन शायद नहीं पूछता है, ठीक है, शायद मैं एक टर्म यूज़ कर रहा हूँ शायद, ठीक है, पूछ भी सकता है, कोई इशू नहीं, लेकिन इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन नंबर थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत, ये यू है इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, हाँ अच्छा, हाँ एक बच्चे और पूछते हैं कि हम इसको इधर नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, अगर हम इसको ऐसे करते हैं ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी करते हैं, ठीक है, आंसर सेम आएगा, डैट इज़ वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, बस मैथमेटिक्स का कुछ डिफरेंस होगा, ठीक है, ये देखिए वी पॉजिटिव है इधर आया लेफ्ट हैंड साइड तो ये निगेटिव हो गया, और ये माइनस यू तो माइनस यू, और ये पॉजिटिव में तो ये राइट हैंड साइड गया तो माइनस ए लग गया, ठीक है, दोनों में माइनस कॉमन तो यू हो गया, और माइनस माइनस प्लस ए टी हो गया, और माइनस वी माइनस माइनस वी कट गया तो यू प्लस ए टी, ठीक है, ये ऐसे भी आप बना सकते हैं, ठीक है, आई होप आप लिख चुके होंगे, ऐसे आपको पता है ना ये क्या होता, ठीक है,
v final velocity, u initial velocity, a is acceleration and t is time taken. Okay. तो इक्वेशन ऑफ मोशन दूसरा क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट. ठीक है, वी वी आई लगा लो. ठीक है, तो जस्ट हमने अभी रिवाइज किया कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई टू. ठीक है, यू प्लस वी बाई टू. और हमको ये भी पता है कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और डिस्टेंस को हम एस से डोनेट करते हैं और टाइम को टी से. ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं यहाँ वेलोसिटी है तो आप डिस्टेंस क्यों लिखे, डिस्प्लेसमेंट होगा. देखो बच्चा, हमें काम है एस से, मतलब हम सिंबल यूज़ करेंगे एस. एक्चुअल में होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट, कोई इशू नहीं है. डिस्प्लेसमेंट लिखोगे तब भी एस लिखना पड़ेगा, और डिस्टेंस लिखोगे तब भी एस लिखना पड़ेगा. हमें मतलब क्या है एस, यहाँ पे क्या है एस. बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि यहाँ पे क्या आएगा, आप तो बोल रहे हो कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में क्या आता है, डिस्टेंस. ठीक है, इसलिए यहाँ पे भी डिस्टेंस ही लिखा जाता है. अब इसको यहाँ लाते हैं. ठीक है, ये आरएचएस में है तो इसको एलएचएस में लाएंगे, तो एस, बहुत सारे बोल रहे हैं एस कैसे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए वन इधर तो एस आ गया, और एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम. अब एवरेज वेलोसिटी आपको पता है यू प्लस वी है, यू प्लस वी अपॉन टी और टी. ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. अब देखिए, s इज इक्वल टू आपका आ गया u प्लस v बाई टू इंटू टी. अब v फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा, u प्लस ए टी. ठीक है, तो u प्लस ए टी टी बाई टू. ठीक है, तो s जो आएगा u प्लस टी को इंटू करना है यू प्लस ए टी से. बहुत सारे बच्चे इसको साथ नहीं, यहाँ पॉज प्लस आ गया इसलिए नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है. तो ये हो गया, ये टी है बच्चा लोग, ये यू टी हो गया प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अपॉन टू. ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे तो टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन टू. अब इसको अलग कर लेते हैं, टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बाय टू. यहाँ भी टू और यहाँ भी टू, टू बड़ा लिख लेते हैं. इसको अलग कर दिए, कुछ नहीं किया. ठीक है, इसको यहाँ से अलग कर दिए, टू से टू ख़त्म. तो एस जो फाइनल रिजल्ट आता है वो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. एस क्या है, डिस्टेंस. हाँ, एक बात और, अगर आपको ये एग्ज़ाम में डेरिवेशन आए तो जब आप ड्राइव कर दें तो लिखिए कि वेयर, अच्छे से ही लिख देते हैं क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, वेयर एस इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यू इज इक्वल टू खुद से बोलिए, सीख जाइएगा. ओके, टी इज इक्वल टू टाइम, तो और ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन. ठीक है, ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन. ठीक है, अब देखिए, अगर आपको न्यूमेरिकल में दे दे और उस न्यूमेरिकल में वी नहीं पता हो, ठीक है, वी नहीं पता हो, तो यहाँ पे आप वो फॉर्मूला लगा सकते हैं, डैट इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, ये समझाने के लिए था. आई होप आप लिख चुके होंगे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वो भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस. ठीक है,
टू एस सॉल्व करते हैं इसे, मतलब डिराइव करते हैं, ठीक है। तो आपको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या मिला, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से मिला एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट इसको ले लेते हैं, और इक्वेशन फर्स्ट से आपको क्या मिला, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये इक्वेशन सेकंड नहीं लेते हैं, यहाँ आप डायरेक्ट लिख दीजिए आप फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें टी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, और इस टी की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करनी है। तो टी की वैल्यू कैसे निकलेगी, अगर हम ऐसे करते हैं वी माइनस यू अपॉन टी हो गया, तो टी इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई ए हो गया, इसको इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन सेकंड वी गेट, ठीक है, टी की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में ना कि सेकंड में, दिस इज इक्वेशन सेकंड एंड फर्स्ट में पुट करेंगे, तो एस जो है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो एस टी की वैल्यू कितनी है, वी माइनस यू बाई ए, ठीक है। तो वी माइनस यू बाई ए प्लस हाफ ए टी कितना है, टी 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 कितना है, वी माइनस यू बाई ए और स्क्वायर, ठीक है। देखिए s इज इक्वल टू यू, यू सेम है, t की वैल्यू v माइनस यू बाई ए हाफ ए और t की वैल्यू s स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ऐसे हुआ, ठीक है, यहाँ u है यहाँ v है, तो u इंटू वी दैट इज यू और v, ठीक है, और ये हो गया माइनस u यू एस और ए प्लस हाफ। अब देखिए v माइनस यू मतलब कि a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ठीक है, ऐसा होता है। तो a यहाँ करते हैं v यानी प्लस यू स्क्वायर माइनस टू वी यू अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए s इज इक्वल टू यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस, ये देखिए यहाँ से a बाई टू ए स्क्वायर, और इसको हम लोग कर देते हैं v प्लस यू माइनस टू वी यू, ठीक है। तो यहाँ पे a है यहाँ पे एक, तो एक से एक ख़त्म, तो s इज इक्वल टू यू वी माइनस यहाँ a है प्लस v u माइनस टू वी यू अपॉन टू ए, ठीक है। अब इसको यहाँ तक आप कर लीजिए और इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो इसको यहाँ पे सॉल्व करने के लिए इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है। होप आप लिख चुके होंगे, ठीक है, मिटाते हैं, बस थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे s इज इक्वल टू ये u है u, ठीक है, s इज इक्वल टू यू वी माइनस यू स्क्वायर बाई ए प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस टू वी यू बाई टू है, यहाँ टू है यहाँ ए है, तो इसमें बस टू से इंटू कर दीजिए तो आ जाएगा एस इज इक्वल टू, और टू से इंटू करते तो टू यू वी माइनस टू यू स्क्वायर अपॉन, अब तो पूरा ही ले रहे हैं, प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस टू वी यू, ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे ये आपका पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ऐसे ख़त्म। ठीक है, अब देखिए माइनस टू यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर और ये है वी स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस ये टू और ये, तो वी स्क्वायर ऐसे यहाँ लिखते हैं, माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू ए हो जाएगा। तो इसको करते हैं टू ए एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब ये निगेटिव है, इधर पॉजिटिव करेंगे तो यू एस वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, तो वी स्क्वायर ये हो गया डेरिवेशन, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ठीक है, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। ठीक है, बस मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा इसे बड़ा किया, क्योंकि मार्क्स मैक्स मिनिमम मार्क्स थर्ड नंबर का पूछता है, मतलब तीन मार्क्स का पूछता है मिनिमम, मैक्सिमम आपका फाइव मार्क्स का भी दे देगा, मतलब इक्वेशन सेकंड को भी दे देगा, इक्वेशन थर्ड को भी दे देगा। तो अगर आप स्टेप वाइज नहीं कीजिएगा तो मार्क्स काट लेगा। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ से समझाऊँ तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी एस को, ये तो समझ में गई। यहाँ पे t की वैल्यू मैंने निकाल रखी थी। ठीक है, तो t की वैल्यू बस यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया और इसको इंटू और यहाँ पे इसको स्क्वायर किया, तो उसका वैल्यू ये ऐसे करके यहाँ पे टू टू, बहुत सारे बच्चे बोल रहे टू कैसे आ जाएगा, तो टू इसको इंटू किया ए और ये ऐसे कट गया यहाँ, और यहाँ पे यहाँ ए है ए, तो ए को छिपा लो ऐसे, ए को छिपा लिए तो बचा कितना टू, तो यहाँ पे वन यहाँ पे टू, तो टू से इंटू कीजिएगा तो बराबर बराबर हो गया, तो यहाँ टू ए कर दिया मैंने, और ये दोनों पॉजिटिव निगेटिव, तो ये दोनों ख़त्म। यहाँ पे निगेटिव निगेटिव मतलब छोटा है, और ये तो इस पर मतलब ये जो है इस पर निगेटिव है, तो यानी ये दो है और इस पर एक है, तो यहाँ पे एक निगेटिव आ गया ऐसे ऐसे। प्रैक्टिस करके जाइएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है बहुत। ठीक है, अब कुछ न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग। हाँ, एक चीज़ न्यूमेरिकल को आगे करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है आपको पॉइंट टू रिमेम्बर। ठीक है, पहला अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट इट्स इनिशियल वेलोसिटी दैट इज यू इज इक्वल टू ज़ीरो। दूसरी बात, इफ अ बॉडी फॉर बॉडी कम्स टू रेस्ट देन इट्स v इज इक्वल टू ज़ीरो। थर्ड केस, व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन इट्स एक्सेलरेशन इज ज़ीरो। ठीक है, ये पॉइंट पहला पॉइंट है, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, कोई भी बॉडी अपनी शुरुआती स्टार्ट से शुरुआती जगह से स्टार्ट हो रही है तो उसकी वी क्या होगी, यू क्या होगी, ज़ीरो होगी। ठीक है, और कोई बॉडी थक जाने के बाद रुकती है, ठीक है, कम्स टू रेस्ट, यहाँ एक वर्ड है कम टू रेस्ट देन वी इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, और कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही है किसके यूनिफॉर्म वेलोसिटी से देन इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, वो भी ज़ीरो होगी।